कोई चैलेंज नहीं कर सकता सर, एक बार खा के तो देख ले कोई, अगर मेरे को सामने बोलेगा अच्छा नहीं है तो फिर मैं मान सकता हूँ। भाई देख पा रहे हैं बहुत बेहतर है, न्यू बताते हैं और बताते हैं कि भाई साहब कैसे, और यहाँ पे चटनी भी डिफरेंट टाइप की आपको देखने को मिल रही है। सो दोस्तों बता दें आपको, आज हम आपको कुछ स्पेशल खिलाने के लिए ले आए हुए हैं फिर से रेडी जोन में, गांधीनगर के रेडी जोन में। तो ये भैया आप सबसे पहले ये बताइए कि आप ऊपर ये क्या लगा रहे हैं इसको? इसको सिर्फ मसाला लगा रहे हैं पहले। इसको पहले हम मसाला लगा रहे हैं। तो आज आप हमें मतलब क्या खिलाने वाले हैं? आज आप पनीर मलाई टिक्का खिला रहे हैं आपको। पनीर मलाई टिक्का, तो जम्मू में काफ़ी डिफरेंट आइटम, मुझे नहीं लगता ये कभी किसी ने ट्राई की हुई है। किसी ने नहीं की है। सो आज भैया ने ये चीज़ पहली मतलब लॉन्च करी है ये, सो हम इसका पूरा आज रिव्यू देने के लिए आ चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए भैया ने पूरा ऐसे कवर कर लिया हुआ है। वाओ भाई साहब, ये काफ़ी डिलीशियस लग रही है देखने में, और जब आप ये खाएंगे ना तो क्या धमाका होने वाला है। सो आगे देखते हैं आप क्या होता है। सो भैया ने पूरा ऐसे कवर अप कर लिया है। तो भैया अब ये कहाँ जा रही है? ये रोस्ट होने के लिए जा रही है। रोस्ट होने के लिए जा रही है, क्या बात है। तो ये इनका आ गया सेटअप, पूरा प्रॉपर सेटअप जहाँ पर ये पूरा रोस्ट होगा। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने लगा दिया हुआ पूरा सेटअप। भैया नॉर्मली कितना टाइम लगेगा इसको रोस्ट होने में? 5 या 10 मिनट। ओके 5 या 10 मिनट इसको रोस्ट। ये देखिए भाई साहब, क्या बात है। तब तक आपको पूरा एक एड्रेस बता देते हैं कि अगर आपने ये लजीज आइटम सारी ट्राई करनी है तो कहाँ पे आना है। सो चलिए भैया से ही पूछ लेते हैं। क्या हाल चाल भैया? बढ़िया सर। सो भैया आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आना चाहेगा लजीज चीज़ें खाने के लिए तो प्रॉपर लोकेशन क्या है आपकी? एक प्रॉपर मिल जाएगा सर, प्रॉपर आइटम मिल जाएगा। एक लोकेशन बताइए हमें कि मतलब कस्टमर कहाँ पे आए। सर ये लास्ट मोड़ पड़ रहा है। लास्ट मोड़ से थोड़ा सा पीछे चर्च के बीच में। लास्ट मोड़ चर्च के पीछे रेडी जोन में। रेडी नंबर कितना है आपका? रेडी जोन नंबर सर 24। रेडी नंबर 24। भैया आपका नाम फिर से बता दीजिए। ठाकुर फास्ट फूड। तो अगर आपको ये स्पेशल डिशेस यहाँ पे ट्राई करनी है तो आप जरूर यहाँ पे आइए। और भैया थोड़े दिन में एक और नई आइटम लॉन्च करेंगे, वो भी हम आपको जल्द ही बताएंगे। तो अभी आप कंटिन्यू बनिए हमारे साथ क्योंकि अभी आपको काफी मजा आने वाला है। सो नॉर्मली 5 मिनट हो गए हैं, तो देखिए भाई साहब क्या बात है। ये आगे भैया की लजीज चटनी, क्या बात है। स्टार्ट। सो भैया आप, मैंने आपको देखा, मैंने अभी देखा कि बॉल में आपने 2 चटनियां ऐड की हैं, तो ऐसा क्यों? आप तो सर एक ही करते हैं, हम दो दो चटनियां देते हैं। मतलब आप एक ही बॉल में 2 चटनियां डिवाइड कर देते हैं। तो कौन सी फ्लेवर की चटनी है आपके बॉल में? हरी चटनी है, रेड चटनी मिलेगी आपको। अच्छा वो डिफरेंट तरीके से भैया ने मिलेगी आपको। ओके मेयोनीज भी भैया यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। सो ये देखिए अभी भैया आप ये सेकंड आइटम हमारे लिए क्या रेडी कर रहे हैं? ये स्प्रिंग रोल बना रहे हैं भैया। तो क्या बात है, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्प्रिंग रोल पूरा हमारा फ्राई हो रहा है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा और आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो भैया से पूछते हैं कि इस सेटअप पे और कौन सी आइटम्स भैया रेडी करते हैं? तो भैया बताइए इस सेटअप पे आप कौन सी आइटम्स है जो रेडी करते हैं? पहला नंबर तो आ गया पनीर टिक्का। हाँ जी भैया। सेकंड आ गया चाँप। अच्छा मलाई चाँप, अफगानी चाँप जी। हाँ चाँप, चिल्ली चाँप, सारे चाँप इस पे हो जाती हैं। ओके। और थर्ड नंबर आ गया मोमो। ओके मोमो की भी आइटम जो है आप इस पे रेडी करते हैं? मलाई मोमो, चिल्ली मोमो, अफगानी मोमो, वो सारे मोमो। क्या बात है। तो देख सकते हैं मोमो के मतलब मोमो में भी इतने सारे टाइप्स हैं भैया के पास, और चाँप में भी इतने सारे ऑप्शन है। एक बार मैं आपको इनका मेन्यू बता देता हूँ कि मेन्यू में क्या क्या खास है इनके पास। सो देयर इज अ मेन्यू कार्ड, आप देख लीजिए मेन्यू। अगर आप यहाँ पे आने की सोच रहे हैं मतलब कुछ लजीज खाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी स्क्रीन पे जो ये सामने मेन्यू दिख रहा है, ठाकुर फास्ट फूड लास्ट मोड गांधीनगर, ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया हुआ है। सो आने से पहले अगर आप कोई सोचना चाह रहे हैं कि मतलब क्या खाएं, सो सामने मेन्यू है, मेन्यू का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो यहाँ पे हमारी एक आइटम रेडी हो चुकी है, क्या ही बात है। और देख लीजिए भाई साहब ये डिफरेंट तरीके से भैया ने सर्व किया। नॉर्मल जो लोग हैं प्लेट के बीच में ही आपको डाल देंगे सारा मटेरियल लाइक मेयोनीज और सॉस और चटनी। देखिए भाई साहब ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सर्व किए भैया ने, और अब इसे आपको
खा के बताते हैं और बताते हैं कि भाई साहब कैसा बना हुआ है। सो आप देख रहे होंगे कि पीस तीन ही बचे हुए क्योंकि मैंने पहले ही तीन चार पीस खा लिए वीडियो से पहले ही, क्योंकि काफ़ी टेस्ट था। सो मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट कैसा है। सर मेयोनीज और मिक्स करके पूरा देखिए कितना डिफरेंट लग रहा है। ऐसे नॉर्मली आपको नीचे प्लेट में मेयोनीज मिलेगी, बट यहाँ पे एक बाउल में सर्व किया गया है प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे चटनी भी डिफरेंट टाइप की आपको देखने को मिल रही है। देखिए भाई सब डिफरेंट है, दिस इज डिफरेंट है। सो आप खा के बताते हैं तो कैसे टेस्ट है। लाजवाब, सीरियसली लाजवाब बना हुआ है। भैया ने जिस तरीके से अपनी मेहनत और अपना एक प्यार इसमें कर दिया ना एडजस्टमेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली आप यहाँ पे आइए और ये लजीज आइटम सारी ट्राई कीजिए, क्योंकि इनके मेन्यू में काफ़ी सारी आइटम्स हैं। अगर आप ये खाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली आना पड़ेगा। भैया ने सारी डिटेल्स हमें बता दी हुई हैं और बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अभी मैं इसको कैरी ऑन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कैरी ऑन कीजिए। सो एक आइटम का हमने रिव्यू दे दिया आपको, स्प्रिंग रोल का, और अब दूसरी आइटम की तरफ चलते हैं जहाँ पे इसकी मेकिंग चालू है। अच्छा, तो यहाँ पे भाई साहब सेटअप फिर से रेडी है। तो भैया इसको आप अब क्या करने वाले हैं, ऐसा आपने गैस वगैरह ऑन की है? इसको मैं पनीर टिक्का पहले पकाया मैंने। अच्छा, और इसको सर मलाई में करना है मैंने। अच्छा, मलाई में आप कन्वर्ट करेंगे, क्या बात है, वाह। ओहो भाई साहब ये मेयोनीज देखिए कितनी लाजवाब लग रही है, और ये सारी मेयोनीज जा रही है इसी में। ओहो क्या बात है, पूरा मिक्सचर तैयार किया जा रहा है हमारे लिए। और भैया ने ये एक नई आइटम यहाँ पे लॉन्च की है, पनीर मलाई टिक्का यहाँ पे लॉन्च किया गया है, क्या बात है। पनीर मलाई टिक्का, काफ़ी सारे आपने टिक्के वगैरह खाए होंगे लाइक पनीर के या और आइटम्स के, पर ये पनीर मलाई टिक्का इट्स ए वेरी डिफरेंट आइटम। सो जो हमने यहाँ पे ऑर्डर करवा ली हुई है और आपको बताएंगे कैसी बनी है, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा आपको। सो देख सकते हैं यहाँ पे चाप भी रेडी हो रही है। सो यहाँ पे हमारा मटेरियल जो है प्लेट में सर्व कर दिया गया हुआ है। सो आगे देखते हैं अब क्या होता है, और आगे फिर से चटनी ऐड कर दी गई है। सो आप चटनी को देख रहे होंगे कि चटनी में भी देखिए भाई साहब ये कितना डिफरेंट तरीके से भैया ने सर्व किया, क्या बात है। और भैया का ना ये सर्व करने का तरीका काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो देखिए चटनी ऐसे नॉर्मली आपको एक ही कलर की मिलेगी, और यहाँ पे एक वाइट कलर भी आपको दिया गया है जो है मेयोनीज, आपको पता ही है। बट ये देखिए भाई साहब बहुत ज़बरदस्त लग रही है। सो यहाँ पे हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है, पनीर मलाई टिक्का। सो अब इसका रिव्यू करने का टाइम आ चुका है और आपको बताते हैं कैसी बनी हुई है। आई होप आपको ये वीडियो हमारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो बने रहिए, अब खाते हैं और बताते हैं पनीर मलाई चाप। तो भाई अब ये क्या आइटम लेके आए हो? भाई साहब ये काफ़ी डिफरेंट आइटम है जो रेडी जोन गांधीनगर में सर्व होती है। सो आइए इसका रिव्यू करते हैं, क्योंकि मेरे साथ रहा नहीं जा रहे हैं, फटाफट से आप मेरी प्लेट के ऊपर फोकस कर लीजिए। सो देख सकते हैं चटनी भी काफ़ी डिफरेंट तरीके से हमें सर्व की गई है, तो थोड़ा चटनी को थोड़ा पहले मिक्स करके और टेस्ट कर लेते हैं। वाओ क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त चटनी बनी हुई है। सर्व करते हैं पनीर को टेस्ट, ये अपना पनीर आ गया, और सारा मटेरियल देखिए प्याज का एक कॉम्बो में हम पूरा इकट्ठा कर लेते हैं। भाई देख पा रहे हैं कितना हैवी हो चुका है। अब इसको हम खाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसा बना हुआ है। नो वर्ड्स भाई, आपका रिएक्शन देख के पता लग रहा है कि कैसा होने वाला है। सीरियसली कुछ लोग होते हैं ना वीडियो में काफ़ी एफर्ट डालने के लिए ना एक्सप्रेशन बनाते हैं या झूठ बोल लेते हैं, बट यहाँ पे झूठ का सहारा मैं नहीं लूँगा। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, मतलब 100 से भी ऊपर के मार्क्स इसको मैं देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरीके से भैया ने बनाया, जिस तरीके से भैया ने बात की, जिस तरीके से साफ सफाई भैया की, बहुत बेहतर है। आप अगर खाना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल देख लो, बाकी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कंटिन्यू। सो भैया क्या ही बात है आपकी, मतलब मैं एक एक चीज़ का आपका फ़ैन हो गया। जो मैंने अभी चीज़ें अभी ट्राई की ना आपके पास, बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरीके से आप हमसे बातचीत कर रहे थे, जिस तरीके से आपका मतलब तरीका है एक प्रॉपर चीज़ सर्व करने का, वो बहुत बेहतरीन है। तो भैया मतलब इतना ज़्यादा टेस्ट मतलब कैसे, मतलब नॉर्मली मैं देख रहा हूँ कि इतना टेस्ट नहीं मिल रहा है मुझे, और यहाँ पे नॉर्मली मुझे मिला, वो क्या राज है सर? सर 25 साल से मैं होटल लाइन में काम किया हूँ,
अच्छा होटल लाइन में आपने काम किया हुआ है? जी सर, अच्छे अच्छे होटलों में काम किया हुआ सर मैंने। अच्छा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ चीज़ जो भी मिलेगी प्रॉपर चीज़ मिलेगी, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सर यहाँ। क्या बात है। सो हमारी जितनी भी जनता देख रही है इस वीडियो के माध्यम से, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कुछ? सर मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार खा के तो देख ले कोई, अगर मेरे को सामने बोलेगा अच्छा नहीं है तो फिर मैं मान सकता हूँ। क्या बात है भाई, भाई साहब इतनी बड़ी बात कह दी भैया ने कि आप एक बार ट्राई कीजिए। सो एक बार फिर से बता देते हैं, ठाकुर फास्ट फूड, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सेटअप इनका लगा हुआ है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर मेंशन है और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे। ऑनलाइन भी पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आने से पहले अगर आपको क्या खाना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और सारी डिटेल्स यहीं पर दी गई हुई है। बहुत बढ़िया लगा हमें एक एक आइटम और जिस तरीके से इनकी मेकिंग है, इनका बात करने का तरीका है, बहुत प्यारा, बहुत ही मज़ा आया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है हमारी वीडियो को और हमें आगे तक प्रमोट करना है। और भैया की जो मेहनत है उसको भी थोड़ा आगे प्रमोट कीजिए और भैया का एक बार आप टेस्ट करके देखिए आइटम, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से सर्व कर रहे हैं और इनके बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा है और इनकी सर्विंग क्वालिटी एक नंबर है। भाई साहब एक बार टेस्ट कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं सो आप यहाँ पे आ सकते हैं फटाफट से और खाइए, और हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे एफर्ट कैसे लग रहे हैं आपको। सो अगर आप ऐसी आगे और वीडियोज़ ऐसी देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ी रहिए, कंटिन्यू रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।